हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और आपका वेलकम है आपके अपने इस चैनल साहिलिस्टिक पर। आपको मैं जो फोटो दिखा रहा हूँ, आपने इनको शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देखा होगा, अनजाने में देखा होगा, लेकिन आपने ये सोचा ये लोग नकली भी हो सकते हैं। अगर आपने अभी सोचा तो सही सोचा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इस दुनिया में ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन इनकी फ़ोटो कैसे उपलब्ध है। तो मैं बताता हूँ चल क्या रहा है। डेटिंग ऐप्स को लड़कियों की ज़रूरत है और एडवर्टाइज़र को डाइवर्सिटी की ज़रूरत है, और किसी प्रोडक्ट के नीचे 4.5 की बढ़िया रेटिंग देने के लिए भी तो लोगों की ज़रूरत है ताकि हमारा काट सके। तो इन सबका सॉल्यूशन पेश करती है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बनाता है नकली लोग, नकली फोटोस। जी हाँ, इन नकली तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों में एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा बनाया जाता है। इनकी वेबसाइट इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिनसे इन तस्वीरों को बेचने का कारोबार चल रहा है। आपको इनकी वेबसाइट पर एक फोटो लगभग 200 रुपए के आसपास मिल जाएगा। अगर किसी को वीडियो गेम के लिए कैरेक्टर या किसी कंपनी को अपनी वेबसाइट पर ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहती है तो कई वेबसाइट फ्री में भी फ़ोटो उपलब्ध कराती है। मैं एक एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट का नाम वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या कर। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर चेक कर लो। यही नहीं, आप इन फोटो को अपनी पसंद के हिसाब से जवाब बूढ़ा या बच्चा भी बनवा सकते हैं। आप इनका एनिमेशन भी बनवा सकते हैं और इन्हें आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बोलते हुए भी दिखा सकते हैं, और इस तकनीक में और भी अधिक सुधार किया जा रहा है। एक लास्ट पॉइंट और सुनते जाइए। डेटिंग एप्स का काम हो गया, एडवर्टाइजर का काम होगा, लेकिन इनका उपयोग गलत लोग भी कर रहे हैं, जैसे अपराधी अपराध करने में, किसी को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने में, या किसी प्रोपेगेंडा में शामिल होने के लिए। अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिए।